बांद्रा रोड में बनेगा कैंसर रेडिएशन सेंटर, रिनानुबंध ट्रस्ट का प्रदान। मुंबई मीरा रोड के भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में रेडिएशन सर्विस के साथ का कैंसर केयर सेंटर शीघ्र शुरू होने वाला है, जिसके लिए रिनानुबंध ट्रस्ट आयोजित कार्यक्रम में नवनीत फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा टोकन चेक अर्पण करने का कार्यक्रम कल रविवार को विले पार्ले में आयोजित हुआ था। विले पार्ले ईस्ट के रामकीला हॉल में आयोजित कार्यक्रम में नवनीत फाउंडेशन के अनिल भाई गाला, सुनील भाई गाला उपस्थित रहे थे। उन्होंने कैंसर केयर सेंटर और फेयर सिटी सेंटर के लिए टोकन चेक अर्पण किया था। इस अवसर पर रिनानुबंध ट्रस्ट के वसंत भाई गलिया ने कहा कि पूरा प्रोजेक्ट 40 से 50 करोड़ रुपए का है। हॉस्पिटल ने इसके लिए 10,000 वर्ग फीट की जगह आवंटित की है। फिलहाल में फर्नीचर का काम चालू है। 4-5 महीने में अत्याधुनिक मशीनें आ जाएंगी। यद्यपि इसके लिए दाताओं के सहयोग की जरूरत है। नवनीत फाउंडेशन को हमने हमेशा सहयोग दिया है। नवनीत फाउंडेशन के सुनील भाई गाला ने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल की सेवा और कार्य पर संतोष व्यक्त किया। बाहर से आने वाले मरीजों के लिए रहने की सुविधा होगी, जो आशीर्वाद रूप साबित होगी। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के डायरेक्टर वेंकटेश्वर ने कहा कि हॉस्पिटल को 25 वर्ष हुए। जरूरतमंद मरीजों की यथासंभव मदद करते हैं। दाताओं के सहयोग से कैंसर के मरीजों के लिए सुविधा प्राप्त हुई है, जो पश्चिम के उपनगरों के और अन्य क्षेत्र के मरीजों के त्वरित उपचार के लिए उपयोगी बनेगी। हॉस्पिटल के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण मुले ने कहा कि भायंदर में इस हॉस्पिटल की सेवाएं लोकप्रिय ट्रीटमेंट, ये ऑब्जेक्टिव के साथ आज सबसे पहला कदम यानी कि गिविंग एडवांस फॉर मशीन परचेस, इसके लिए आज फर्स्ट प्रोग्राम किया है। सो प्रोग्राम ये के पीछे ये है कि रुनानुबंध ट्रस्ट और भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, ये दोनों ने साथ मिलकर कैंसर रेडिएशन डिपार्टमेंट एंड कैंसर पीटी स्कैन डिपार्टमेंट, ये दोनों डिपार्टमेंट शुरू करने के लिए आज ये प्रोग्राम किया। और उसके फर्स्ट स्टेप में जो एडवांस चेक्स देने थे हमें टू दी मशीन मैन्युफैक्चरर्स, उसके लिए प्रोग्राम किया। हम लोगों ने मशीन परचेज, हम बाहर से मशीन परचेज करेंगे रेप्यूटेड कंपनीज के साथ, और ये सेंटर भक्ति वेदांता हॉस्पिटल की जो जगह उन्होंने दी रखी है, और साथ में हम मशीनरी लेके आएंगे परचेज करके, और वो यूनिट से बहुत सारे पेशेंटों को मदद मिलेगी। सो इसमें डिसीज़न ये लिया गया है कि जितने भी पेशेंट साल भर में ट्रीटमेंट लेंगे, उसमें से करीबन 50% लोग को फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी, और बाकी के 50% में बहुत कम फीस लिया जाएगी। तो ओवरऑल ये प्रोजेक्ट से जो पैसे स्पेंड नहीं कर सकते कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, उन लोगों को बहुत ही फायदा होगा। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल और रुनानुबंध ट्रस्ट और जो डोनर है नवनीत फाउंडेशन, इनका तरफ से इतना ही है, ये जो प्रोजेक्ट है दिल से सेवा होगा, सेवा का भाव में। एक पेशेंट को बेड नंबर बोल के नहीं बुलाएंगे, वो पेशेंट को हमारा प्यार देके जितना पॉसिबल है उतना पर्सनल ट्रीटमेंट देंगे। और इसका अलावा भक्ति वेदांता हॉस्पिटल का जो मेन मोटो है, ट्रीटमेंट फॉर बॉडी माइंड एंड सोल, आत्मा का भी साथ साथ में उनको भगवान का गरीब लेके जाने के लिए जितना पॉसिबल है उतना एफर्ट्स ज़रूर होगा। और क्वालिटी ट्रीटमेंट, भले पेशेंट इज फ्री और सब्सिडाइज और फुल्ली पेइंग पेशेंट, उनके लिए द ट्रीटमेंट क्वालिटी विल रिमेन द सेम। सर आप लोग भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोग का किस तरीके से सहयोग रहता है? नवनीत फाउंडेशन ने और रुनानुबंध ट्रस्ट ने पैसा इकट्ठा करके इक्विपमेंट्स का व्यवस्था कर रहे हैं,
और उसके बाद रुणानुबंध ट्रस्ट ने इसको चलाने के लिए जितना पॉसिबल हेल्प है वो भी देंगे। भक्ति वेदांता हॉस्पिटल ने स्पेस दिया, ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी भी हो रहा है, कीमोथेरेपी भी हो रहा है, आगे जाके ये जो रेडिएशन थेरेपी है इसके लिए वेस्टर्न सबर्ब्स में बोरिवली के बाहर, बोरिवली से लेके पालघर धानू तक ऐसा सेंटर नहीं है, इसके लिए ये महत्व करके इसको चालू कर रहे हैं। सर आप क्या पूछना चाहेंगे? ये बहुत ही हमें नवनीत फाउंडेशन और रुणानुबंध ट्रस्ट के साथ काम करते हुए जो शुरुआत हो रही है उससे बड़ा आनंद हो रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये जो संबंध है यह समाज की सेवा के लिए बहुत ही बहुत अच्छा ठहरेगा और काफ़ी लोगों को इसका फायदा होगा। आप क्या कहेंगे? ये रेडिएशन सेंटर चालू होएगा, टाटा हॉस्पिटल है, टाटा हॉस्पिटल रेडिएशन सेंटर ऑरेंज रेशन कार्ड वाले के फ्री कर दे, तो टाटा बाकी हॉस्पिटल है बहुत सारे लेकिन रेडिएशन कोई फ्री नहीं करता है, सब कमर्शियल है। तो यहाँ भक्ति वेदांत मीरा रोड में, मीरा रोड से शायद वलसाड या सूरत तक कोई अंदर सेंटर नहीं है जो रेडिएशन फ्री करेंगे। नवनीत फाउंडेशन की वजह से ये जो मशीन आएगा और रुणानुबंध ट्रस्ट कम से कम 450-450 पेशेंट 12 महीने में फ्री करेंगे। दूसरे पेशेंट है वो टाटा हॉस्पिटल के भाव में करेंगे, कमर्शियल हम लोग को इच्छा ही नहीं कि कमर्शियल करके इसके अंदर से कमाने का, ऐसा नहीं, टाटा हॉस्पिटल के भाव में करेंगे। और 10% या 15% जो पेशेंट है जो मेडिक्लेम है उनके पास 10 लाख का 15 लाख का 20 लाख का उसका रेट है, वो रेट हमारे जो डॉक्टर लोग का स्टाफ लोग का जो खर्चा है उसमें से निकालने की कोशिश करें। डॉक्टर सर इसके अलावा आप इस तरीके से कैंसर पीड़ितों की मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? कैंसर एक बहुत पीड़ित दर्द है और ये पीड़ित दर्द बहुत फैल रहा है, हम तो देख रहे हैं बच्चों में भी बहुत ही फैल रहा है। तो अच्छे ट्रीटमेंट सेंटर मिले और रीजनेबल भाव में या फ्री ऑफ कॉस्ट में जितने भी सेंटर हों देश में, तो देश की जनता को बहुत ही फ़ायदा होगा। तो हमें इच्छा है कि ये रुणानुबंध ट्रस्ट के साथ मिलकर हम पहला सेंटर मीरा रोड में करें और उसके अनुभव के साथ, और हमें कॉन्फिडेंस तो है कि ये सेंटर बहुत ही लोगों को मदद रूप होगा, उसके अनुभव के साथ हमें और भी ऐसे सेंटर खड़े करने हैं, ये हमारी इच्छा है। इसके अलावा और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को और कैंसर या वेदांता साथ जुड़ने के लिए, या मतलब कि अगर कुछ डोनेट करना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं तो क्या कैसे? मैं सबसे पहले कहूँगा कि कैंसर है ये जान के जो खुद आदमी और फैमिली हिल जाती है, लेकिन इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज डेफिनेटली अवेलेबल है। इसके बाद अच्छे अच्छे सेंटर भी खड़े होते ही हैं, लेकिन रीजनेबल भाव से या मुफ्त में ट्रीटमेंट दे सके जो भारतीय जनता को बहुत ही ज़रूरी है, ये ट्रीटमेंट देने के लिए ऐसे सेंटर खुले तो बहुत ही अच्छा है। और हमें खुशी है कि भक्ति वेदांता हॉस्पिटल के साथ ये सहयोग हमारा हुआ है, वहाँ की ट्रीटमेंट डेफिनेटली हजारों लोगों को हर साल मदद करती रहेगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा रुणानुबंध ट्रस्ट की तरफ से कि जो कोई इस प्रोग्राम में साथ में जुड़ सकें तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पेशेंट्स तक मिले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हॉस्पिटल का रिसर्च फैसिलिटी है, ये जो रिसर्च फैसिलिटी में US FDA अप्रूव्ड रिसर्च फैसिलिटी है, इसमें हम बहुत सारे रिसर्च करेंगे कैंसर पेशेंट्स का ऊपर और उनका रिलेटिव्स का करके, इसको आगे किस तरह से वी कैन स्प्रेड द मैसेज ऑफ गुडविल टू द वर्ल्ड।